रिनोवेशन का है ये वीडियो। तो ये एंट्रेंस है और अंदर जाते ही दृष्टि पर लाइफस्टाइल। बताइएगा गैस कैसा लगा। इसमें ना 3 लाइट्स चलती है। एम आई राइट? दिस नहीं, ये इसका स्विच नहीं है। दिस वन लाइट। कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है कमेंट में ही बताना। मुझे तो ये वाली अच्छी लगी, थोड़ी सी ब्राइटनेस, थोड़ा सी कलरफुल। मुझे लाइट्स बहुत पसंद है गाइस, मैं क्या करूँ बताने के लिए। और यहाँ पे हमने ये छोटा सा ब्लैक कॉर्नर बोल सकते हैं इसको। ये हमारी दृष्टि कुछ खाते हुए। ये डाइनिंग टेबल, ये गोल्डन एरिया, हाँ इसको भी बोलते हैं। बस मैं ब्लैक दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो पूरा ब्लैक एरिया था। इसके बाद हम आते हैं अंदर। ये लाइट हमने लगवाई है पूरी ऊपर सीलिंग में। क्या ये लाइट्स ऑफ होने के बाद ये लुक है, क्योंकि टीवी यूनिट भी, ये टीवी यूनिट भी हम लोगों ने, ये अगर मैं चाहती तो और अच्छा बनवाती, बट मुझे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, तो मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में गई हूँ, बट नॉट बैड, मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा सिंपल। दैट्स गुड। और ये सोफा, ये वाला लैंप है इधर। ये हमारे बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, ये कैंडल्स। और ये हमारी रॉकिंग चेयर। हाँ मैंने बताया ना कि बहुत हवा आ रही है बार बार, बच्चे आ रहे हैं ना तो गेट ओपन कर रहे हैं, तो हवा की वजह से वो बुझ रही बार बार। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे तो ये आ गया मंदिर। मंदिर के ऊपर से देखते हैं अपन। सबसे प्यारी मेरी प्यारी प्यारी मूर्ति, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये। और ये हमारे झूलेलाल जी बाबा, मैं ड्रेस अच्छी लगती हूँ, उनकी तो स्माइल ही इतनी अच्छी कि आहा हा, देखिए ऐसा लगेगा ये हमको ही देख रहे हैं और हमको मुस्कुरा रहे हैं। हमारी क्वीन, ये हमारे लड्डू लड्डू गोपाल। कैसा क्यूट। और यहाँ पे मंदिर का सारा सामान इन होता है, हम लाइक दियास ऑयल एंड ऑल थिंग्स। अभी हम यहाँ से इन होंगे तो फिर आता है एक शैंडलियर। इसकी लाइट भी चेंज होती है, अभी ये वॉर्म वाइट है, अभी ये हो जाएगी गोल्डन, अभी फिर होगी ये वाइट। सी एक बार बंद करो दृष्टि, ये ऐसा है, अभी चलाइए। यहाँ पे ये कबर्ड रखा हुआ है हमने, कभी भी कोई आए गेस्ट तो यहीं पे सारा डिनर सेट है। ऑल थिंग्स ये है, अच्छा लगता है। ये कावा सेट है, ये कावा सेट है और ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है छोटा सा। ये है, ये भी गिर गया शायद। हाँ दृष्टि गिर गया ना, कहाँ गया वो, गिर के कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, चल फेंक देंगे उसको। इस वाले वॉशरूम को वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता। इसके बाद हम किचन में आते हैं। ये किचन एरिया, ये किचन है मतलब प्रॉपर एयर नॉट एरिया। यहाँ पे भी बर्तन धोखे गए हैं क्लीनर, और मैंने अभी जितने भी चांदी के बर्तन थे वो सारे धोए हैं इसमें उबाल के। थोड़ा सा टूथपेस्ट डाला था और फॉइल पेपर से रगड़ के तो थोड़े ही चमक पाया। और ये दृष्टि जो पेड़ रेड किए थे वो है, वो हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हो। नहीं, इसके पहले व्लॉग अपलोड हो जाएगा वो। और ये हमने मिठाई बनाई है, इसको सिंधी खोराक बोलते हैं। यहाँ से जाएंगे हम अंदर।
टन टन, ये है बच्चों का रूम। पहले मैं आपको लाइट दिखाती हूँ, इनके भी कलर चेंज होते हैं। सी ये हो गया मॉम वाइट, ये पिंक एंड ब्लू, ये है पर्पल। पर्पल कलर बस में नहीं दिख रहा है, पर्पल है वो, क्यों नहीं दिख रहा है, फिर भी ब्लू ही दिख रहा है, डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। और ये है इसका मिरर। अब से तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी। ये हो गया इसका ड्रेसिंग टेबल। ये चीज़ ना मेरे आँखों में लगा रखी है। ये स्टडी। और ये है इनके स्कूल का एरिया, मतलब जब भी स्कूल से आते हैं तो अपने बैग्स हैं नहीं, यहाँ पे ही रखते हैं। और ये इनके कबर्ड्स हैं। ये दो पर्प के हैं, दो दृष्टि के हैं, और एक एक्स्ट्रा मेरा है। इसमें मैं कुछ भी जो मेरे को समझ में आता है कि आगे काम आने वाला है तो मैं वहाँ रखती हूँ। और यहाँ पे इसके टेडी बेयर सो रहा है, छोटू वाला। बड़ा वाला तो उसको वॉश किया, बहुत गंदा हो गया था। और ये इसकी स्लाइड है, आप ऊपर जाओगी साइड स्लाइड पे? मैं दिखाती हूँ वो मेरे दृष्टि। हमने फ्रोजन की बेडशीट लगाई है ऐसा फ्रोजन, तो किसको उसको बताया ये कौन है और ये कौन है, कमेंट में बताना। ए लिखना ये के लिए, बी लिखना इसके लिए, फिर इसके लिए लिखना इसके लिए, बस मेरे को बता देना। ओके, और फिर ये हम लोग फ्रोजन बेबी बेबी खेल रहे थे मेरे फ्रेंड्स और मैं, तो ये मेरी फ्रेंड बड़ी फ्रेंड का बोला। और आपको पता है लास्ट टाइम एक फादर्स डे वीडियो में मेरी छोटी बच्ची थी, हाँ उसका बेबी है और ये मेरा, ये देखो। और इधर हमारा इतना बड़ा टेडी बेयर था जो मम्मी ने धोया ऐसे, और बस ये ऊपर का हो गया। अब ये स्लाइड से नीचे आएगी दृष्टि, गिव मी। क्या अभी यहाँ से रहेंगे हम हमारे रूम में, इसके बाहर रूम से बाहर निकलते। ये अच्छा लगा मुझे, आप भी बताना। यहाँ से ही होंगे रूम में, तो पहले आएगा वॉशरूम। ये है वॉशरूम, यहाँ पे बहुत अच्छा फील आता है, लाइक स्विमिंग में, स्विमिंग पूल में अंदर अलग टाइल्स होती है, बाहर अलग। बात तो भर देते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे तो ये हमने फैन उतरवा दिया था, ये वाला लगवा लिया है, और ये वाली लाइट्स लगवाई है, ये वाली लाइट्स लगवाई है, ये है ये लाइट्स भी चेंज होती है, ये हो गई वाइट, और ये हो गई और ब्राइट, ये डिम। जब भी हम सोने वाले होते हैं तो उसको फोर बार दबाना होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी में नींद नहीं आती है, तो हम वैसे हम नहीं चलाते हैं, पर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए होती तो हम डिम वाली चलाते हैं। पंखा देखिए, हमारा फैन देखिए, जैसे कि हेलीकॉप्टर चल रहा हो, राइट। आगे जाएंगे तो ये मैट्रेस, और अब हमारा बेड, ये हमारा बेड है, और यहाँ पे मेरा मिरर है। और ये अभी मेरे को कपड़े अवेरने हैं कि मैंने कल ही धुलवाए थे, और आज मैं इनको सबको लपेट के अपनी जगह सेट कर दूँगी क्योंकि परसों है दिवाली। उससे पहले आपको व्लॉग मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, मैं एडिट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि दिवाली पे बहुत काम होते हैं। और बाहर की हमारे यहाँ की मैं आपको लाइट्स दिखाती हूँ, उस वाली बालकनी से अच्छे से दिखाई। ये साइड में सोती हूँ, मुझे उतरते ही मेरी चप्पल चाहिए होती है और मुझे मैट चाहिए होता है, तो ये मेरा एरिया है, ये जीतू का एरिया है, ये मेरा कबट है, ये जीतू का कबट है।
क्या दिखाएगी यार, सेटल्ड है, सेटल्ड है, सी पर्स पर्स, कपड़े 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 कपड़े। और ये पापा का जीतू का भी सेटल्ड है, इसका सारा क्लीन है, मेरे को ये भी बता रहा पापा का, आपको मेरे कपड़े इतने सारे, बाकी सेटल्ड है सारे, ऐसे नहीं कि ऐसे फेंकती हूँ मैं या क्या, मैं अपने कपड़े ढंग से निकालती हूँ, राइट दृष्टि? यस। तो हो गया, कैसा लगा आपको हमारा घर? तो गाइस बताइएगा हमारा होम टूर आपको कैसा लगा, कुछ भी कमी हो तो अब रहेगी क्या करें, क्योंकि मेरे से अब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना परेशान किया था कारपेंटर ने, जिसकी कोई हद नहीं, वो आधा काम करके गए आधा काम छोड़ के गए। और सॉरी मैंने आपको बोला था मैं आपको लाइट्स दिखाती हूँ, वेट मैं आपको बाहर जा कर लाइट्स दिखाती हूँ, मुझे भी खाना है। बालकनी ओपन करते ही मस्त, एकदम मस्त, आज धनतेरस है और आज ही मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। सी ये हमारे सामने वाली बिल्डिंग की है, ये इधर साइड की है, पर पता है अगर उधर से कोई वीडियो लगे तो हमारी बालकनी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए हमने ऊपर ये लगाया है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, पता नहीं क्यों मुझे प्लांट्स और बर्ड्स और सब कुछ बहुत पसंद है। मैंने धो के रखा है, सूख गया मम्मी, नहीं सूखा है अभी, भी गीला है, इसको तो दो दिन लगेंगे ना, मोटू सा आएगा। सी यहाँ की लाइट्स भी मैं आपको है ना एक क्लिप नीचे से बना के डाल दूँगी, ताकि आप देख के बताइएगा कि हमने लाइट्स अच्छी लगाई या नहीं। तो गाइस बताइएगा आपको कैसा लगा, और ऐसे ही लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए एडवांस में। हैप्पी दिवाली, से हैप्पी दिवाली एडवांस, हैप्पी दिवाली।